तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनएंडिंग एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का पोयम द लेबनम टॉप पढ़ेंगे, जिसके राइटर्स टेड यूक्स है। तो अभी पोयम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, केवल 5 से 10 सेकेंड में वो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर लूंगा। तो मैं आप लोगों को एक डाटा दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पर, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो देखा आप लोगों ने इस डाटा को, हमारे चैनल में 65.3% लोग वीडियो को आराम से चुक्कू मुक्कू बैठकर नॉलेज लेकर साइट से निकल जाते हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए। तो मेरी आप लोगों से बहुत ही हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। तो बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आप लोगों का, और अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो आज का हमारा जो पोयम है द लेबनम टॉप, यहाँ पे लेबनम एक शॉर्ट हाइटेड ट्री है जिसकी काफी सारी ब्रांचेस होती है। इसके फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं और इसके सीड्स बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस पोयम का नाम द लेबनम टॉप क्यों होगा, क्योंकि ये जो पूरा पोयम है वो लेबनम ट्री के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, फटाक से शुरू करते हैं इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन को। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो ऑथर इस पोयम को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि जो लेबनम का पेड़ है वो साइलेंटली अपने जगह पे खड़ी है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है और वो अपनी जगह पे क्वाइट एंड स्टिल खड़ी होती है। ये दोपहर का टाइम होता है और सितंबर का मंथ होता है, यानी कि ये बेसिकली ऑटम का महीना चल रहा होता है। दोपहर के टाइम में जो लेबनम ट्री के पत्ते होते हैं वो येलोइश कलर में, वो ब्राइट सनशाइन में चमक रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि ऑटम के महीने में ट्रीज के लीफ ग्रीन से येलो में चेंज होते हैं, तो वैसे ही लेबनम ट्री के लीव्स भी ग्रीन से येलो कलर में चेंज हो रहे थे और उसके सीड्स जो थे वो नीचे गिर रहे थे। तो यहाँ तक ऑथर ने ट्री का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो लेबनम ट्री एकदम साइलेंटली अपनी जगह पे खड़ी होती है, उसके पत्ते ऑटम के सीजन में ग्रीन से येलो में चेंज हो रहे होते हैं और ब्राइट सनशाइन में उसके लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही चमक रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा कि आखिर वो ट्री का डिस्क्रिप्शन कैसा था। तो कहीं पे भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ ट्विचिंग चिरप। तो यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि अभी तक तो वो लेबनम की ट्री थी, वो बहुत शांत और स्टिल थी, लेकिन ये शांति तब तक ही थी जब तक कोई गोल्डफिंच नाम की बर्ड वहां पे नहीं आई थी। गोल्डफिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है जिसके येलो फेदर्स होते हैं और ये बर्ड उस ट्री में चिरप करते हुए आती है। चिरप का मतलब होता है कि जो साउंड बर्ड्स जनरली निकालते हैं। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। तो यहाँ पे इस लाइन में ऑथर बोलते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड होती है वो उस ट्री के ब्रांच में जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पे हमारे इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड स्टैंजा की तरफ। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप।
तो यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि वो जो बर्ड होती है वो स्लीक होती है, एक लिजार्ड की तरह। स्लीक का मतलब स्मूथ होता है। वो एकदम लिजार्ड की तरह अलर्ट एंड अब्रप्ट होती है। अलर्ट का मतलब चौकन्ना होता है और अब्रप्ट का मतलब सडन एंड अनएक्सपेक्ट होता है। जैसे कि एक लिजार्ड अपनी सराउंडिंग से काफी अलर्ट और अब्रप्ट होती है, वैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड होती है। अब गोल्डफिंच बर्ड ट्री के थिकनेस की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे थिकनेस का ये मतलब है कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो ट्री के अंदर की तरफ जा रही होती है, जहाँ पे ट्रीज के लीफ बहुत डेंस होते हैं। जैसे ही वो थिकनेस में इंटर करती है, वैसे ही मशीन स्टार्टअप हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उन ब्रांचेस में उस गोल्डफिंच बर्ड के नेस्ट था, जिसमें उसके अंदर उसके बच्चे बैठे होते हैं। और जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड अंदर ब्रांचेस में जाती है, तब उसके बच्चे साउंड निकालना शुरू कर देते हैं अपने मदर को देखते ही। और इसे ऑथर ने मशीन से रिलेट किया है। जैसे ही एक मशीन स्टिल रखी होती है, लेकिन जैसे ही उसे स्टार्ट किया जाता है तो वो आवाज निकालना लगती है। वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड के यंग वंस थे, उसे देखते ही यानी कि गोल्डफिंच को देखते ही वो आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। जो यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड के यंग वंस थे वो आवाज निकालने लगते हैं। वो अपने पंखों को जोर जोर से हिलाने लगते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि वो पूरा पेड़ यानी कि जो लेबर्नम का पूरा पेड़ है वो ट्रेम्बल कर रहा होता है, यानी कि शेक कर रहा होता है काफी एक्साइटमेंट से। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टैंसा दोनों ही कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा इन दोनों स्टैंजा में। और कहीं भी अगर डाउट हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों का दोस्त ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड स्टैंजा को। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। पोएट इस लाइन में इंजन गोल्डफिंच बर्ड को बोल रहे हैं। और ऑथर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी मशीन अच्छे से तब काम करती है जब उसके अंदर की इंजन अच्छे से काम कर रहा होता है। बिना कोई इंजन के मशीन काम नहीं कर सकती। वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड अपने फैमिली का एक छोटा सा इंजन है, और बिना गोल्डफिंच बर्ड के उनकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो बर्ड है वही अपने बच्चों को फीड करती है, उन्हें नरिश करती है और बाहर के खतरे से बचाती है, और उनके कारण ही फैमिली सर्वाइव कर पाती है। सी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब ये है कि जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो अपने बच्चों का पेट भर कर धीरे धीरे ब्रांच के एंड पे जाने लगती है, और जाने के समय वो बर्ड अपने बेयर्ड फेस बच्चों को दिखाती है। यानी कि वैसे तो वो बर्ड येलो कलर की होती है, लेकिन उनका फेस उस बर्ड का फेस में एक ब्लैक कलर का स्ट्राइप यानी कि धब्बा होता है, जो उस बर्ड की मार्क ऑफ आइडेंटिटी है, जिसे उसके बच्चे उसे पहचान पाते हैं। और जाते समय वो बर्ड वो आइडेंटिटी इसलिए दिखाती है ताकि बच्चे ये याद रख सके कि वही उसकी असली यानी कि रियल मदर है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इन्फिनाइट। इसके बाद पोएट टैग यूक्स हमें बताते हैं कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड जाते समय एक स्ट्रेंज आवाज निकालती है, जो विस्परिंग की साउंड जैसी होती है।
और उसके बाद वो गोल्डफिंच बर्ड आसमान में उड़ जाती है। अब लास्ट लाइन में पोएट हमें बताती है कि जो लेबर्नम ट्री थी वो उस गोल्डफिंच बर्ड के जाते ही यानी कि जाने के बाद एकदम से ही शांत हो जाती है और वो फिर से साइलेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम द लेबर्नम टॉप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।